सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैफे। तो यार मैं विश्व कुमार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और नया वीडियो लेकर के। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SSC CHSL रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। मतलब कि दोस्तों जो भी आपका एग्ज़ाम SSC CHSL का 2023 में होने वाला है तो उसके बारे में जो है दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि आपका जो है नया वैकेंसी जो होने वाला है CHSL का वो आपका कब से, उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है, कौन कौन से कैंडिडेट्स उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहना चाहिए वो क्या होना चाहिए। और दोस्तों जो भी पहली बार SSC CHSL का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनको शायद एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता नहीं होगा, सिलेबस के बारे में पता नहीं होगा, तो उसको भी जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल जो है SSC CHSL जो रिक्रूटमेंट होने वाला है 2023 में, तो जो भी तमाम इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको एग्ज़ाम देने से पहले आपको जानना चाहिए, उन सभी को हम लोग यहाँ पर आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो यार वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो यार लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर अगर न्यू है, फ्यूचर में ऐसी वीडियो चाहिए तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। और सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि SSC CHSL का जो रिक्रूटमेंट होने वाला है 2023 का, तो उसका इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाला है, मतलब कि एप्लीकेशन जो है कब से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए हम लोग ऑफिशियल कैलेंडर के ऊपर चलते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, ऑफिशियल कैलेंडर है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बताया गया आपका SSC CHSL का एग्ज़ाम जो है कब तक होगा। तो आप देख लीजिए दोस्तों 13 नंबर में आपको दिखाई दे रहा होगा। CHSL का पूरा नाम होता है कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। ठीक है, ये 10+2 का लेवल का एग्ज़ाम है। तो CHSL का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, ये जो SSC के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो इसका जो है दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले Tier 1 की, कि Tier 1 आपका कब से होने वाला है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, तो Tier 1 का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पर बताया गया कि 5/11/2022 यानी कि 5 नवंबर 2022 तक जो है आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, उसके कुछ दिनों के बाद या फिर हो सकता है कि उसी दिन से जो है आपका एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाए, ऑनलाइन या फिल होता है आपका एप्लीकेशन SSC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो आपका हो जाएगा। उसके बाद लास्ट डेट यहाँ पर बताया गया कि 4 दिसंबर 2022 तक जो है आपका ये लास्ट डेट रहेगा। 4 दिसंबर 2022 जो है आपका लास्ट डेट रहेगा एप्लीकेशन को फिल करने के लिए ऑनलाइन। और वहीं अगर बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, तो एग्ज़ाम जो आपको बताया गया कि फरवरी से मार्च के बीच में जो है आपका कभी भी हो सकता है 2023 में। ठीक है, तो 2023 में आपका फरवरी से मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा और इसी के अकॉर्डिंग जो आप अपना प्रिपरेशन को कीजिएगा। ठीक है, तो यह तो हम लोगों ने देख लिया है इंपॉर्टेंट डेट्स को। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके बारे में बेसिक डिटेल्स को। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आप SSC CHSL के अंदर कौन कौन से पोस्ट हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पोस्टल असिस्टेंट्स के पोस्ट है यहाँ पर, उसका सॉर्टिंग असिस्टेंट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, कोर्ट क्लर्क है। तो इतने सारे पोस्ट जो है SSC CHSL के अंतर्गत आपको मिलने वाला है। ठीक है, वहीं अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर कि एप्लीकेशन फ़ी आपको कितना लगेगा जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरने जाइएगा, तो यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि जनरल OBC के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको जो यहाँ पर 100 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी आपको देना होगा ऑनलाइन मोड में या फिर ऑफलाइन मोड में। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया कि SC ST और जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, साथ ही साथ फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं उनको यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं लेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है ऑनलाइन मोड का प्रोसेस बताया गया दोस्तों कि ऑनलाइन आपको किस तरीके से करना है, तो आप चाहे तो नेट बैंकिंग कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड जो भी आपके पास सुविधा है आप उसके द्वारा जो है कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो चालान के माध्यम से जो है तो आप अपना जो है ऑफलाइन फ़ी को पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि SSC CHSL का जो सैलरी होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो SSC CHSL सैलरी जो होता है वो आपका पोस्ट वाइज जो डिफर करता है। ठीक है, लेकिन ऐसे में आपको बता दूँ बेसिकली जो आपका जो सैलरी होता है वो जो आपका 5200 से स्टार्ट होगा और 20230 तक जो आपका जा सकता है सैलरी। तो SSC CHSL का यही आपका सैलरी है। ठीक है, इसमें दोस्तों हम लोग बात करते हैं अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है, क्या आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें अगर सिटीजनशिप की, तो सिटीजनशिप में आपको बताया गया कि ए सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान और अ टिबेटन रिफ्यूज हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर द 1 जनवरी 1962। मतलब कि जो भी बंदा जो है 1962 से 1 जनवरी 1962 से पहले नेपाल भूटान या फिर तिब्बतन से आया है वो जो है यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया के तो हैं ही। ठीक है, तो इंडिया के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें अगर एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है आपका 18 साल लेकर के 27 साल के बीच में अगर आपका होना चाहिए तभी जो है आप जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आपका जब नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर डेट आ जाएगा कि हाँ इतने से इतने के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अभी मोटा मोटी जान लीजिए कि 18 से लेकर के 27 साल के बीच में अगर आपका एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अब देखिए इसके साथ साथ कुछ जो कैटेगरी है जैसे कि आपका SC ST हो गया, उसके बाद OBC हो गया, और जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है अपर एज में, ठीक है, लोअर एज में नहीं दिया जाता, अपर एज में दिया जाता है। तो SC ST वाले से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का अपर एज में एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। वहीं अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का मिलेगा अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है, और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल का यहाँ पर छूट मिलेगा, एंड अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड और साथ ही साथ OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 13 साल का आपको छूट मिलेगा, और फिजिकली हैंडीकैप्ड और SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 15 साल का आपको यहाँ पर छूट मिलेगा अपर एज में, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आपको जो एग्ज़ाम जो है किस तरीके से होता है, यानी कि कितने फेज़ में जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है जो होता है, ठीक है। तो SSC CHSL का जो आपका एग्ज़ाम होता है वो 3 टीयर में आपका कंडक्ट किया जाता है। टीयर 1 में जो है आपका ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि कंप्यूटर बेस्ड होंगे, ठीक है, उसमें आपको मतलब सेंटर पर जाकर के आपको ऑनलाइन कंप्यूटर पर आपको टेस्ट देना होगा, सारे के सारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और उसके बाद अगर आप टीयर 1 को क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद टीयर 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें कि आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ठीक है, वो इंग्लिश या फिर हिंदी होगा, जिसे आपको एग्जाम सेंटर पर ही जाकर के देना होगा, बशर्ते कि वो आपका पेन एंड पेपर मोड में आपका होगा। एंड अगर आप टीयर 2 को भी क्वालिफाई कर लेते हो तो टीयर 3 में आपका जो है स्किल टेस्ट या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका लिया जाएगा। अब देखिए कंप्यूटर जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है वो दोस्तों कुछ ही पोस्ट के लिए अप्लीकेबल है, जैसे कि LDC पोस्ट वगैरह हो गया तो उसके लिए आपको कंप्यूटर टेस्ट आपको देना होगा, जिसमें कि टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक है, तो बाकी उसमें आपको देना होगा, और कुछ कुछ में आपका सिर्फ स्किल टेस्ट ही होता है तो आपको देना होगा, ठीक है। तो फाइनली अगर आप तीनों टीयर को अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको फाइनली यहाँ पर जॉब मिल जाएगा इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जो आपका टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो उसका सिलेबस किस तरीके से रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से जो आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि आपका जो कौन कौन से सब्जेक्ट है, जनरल इंटेलिजेंस है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है जिसमें कि आपका जनरल मैथमेटिक्स होता है कॉम्पिटेटिव लेवल का, एंड उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्रामर का रूल रहेगा, उसके बाद आपका साइनो एंटो वगैरह रहेगा, ठीक है, तो इन हिसाब से जो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस में आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 25 होता है उसमें, जो कि मैक्सिमम मार्क्स आपको बात करें कि जनरल इंटेलिजेंस जो 50 मार्क्स का आपका होता है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो 25 क्वेश्चन होते हैं जो कि 50 मार्क्स का होता है, वहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स का होता है, और इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होता है उसमें भी 25 क्वेश्चन रहते हैं 50 मार्क्स का होता है। तो इसी तरीके से आपका 100 क्वेश्चन रहेगा 200 मार्क्स का, ठीक है, सभी क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, जिसके लिए आपको टोटल जो है 60 मिनट का आपको टाइमिंग दिया जाएगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट का ही टाइमिंग दिया जाएगा, तो इसमें आपको एक्यूरेसी के साथ साथ जो है आपको टाइमिंग भी देखना होता है, ठीक है। तो बस उसी का खेल है, अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर लोगे तो आप इस एग्ज़ाम को इजीली क्वालिफाई कर लोगे, पेपर उतना हार्ड नहीं रहता है। दोस्तों मैं चाहता तो इस वाले वीडियो में आपको सिलेबस भी डिस्कस कर देता डिटेल में, कि मतलब इस सब्जेक्ट से जो है कौन कौन से टॉपिक्स के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि इसके लिए अलग एक वीडियो बना दिया जाएगा ताकि जो है आपको उसे समझने में आसानी ना हो। अगर मैं इसी वाले वीडियो में लेकर के आ जाता तो हो सकता था कि आपको बोरिंग कर देता वीडियो, ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा भी हो जाता, तो इसलिए मैंने सोचा कि अलग एक वीडियो लाया जाए इसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए अलग वीडियो आएगा जिसमें कि हम आपको सिलेबस के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से किस किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्द ही वो वाला वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों यही सारी इन्फॉर्मेशन थी आपको SSC CHSL एग्जाम के बारे में, अगर गलती से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट गया मेरे से तो आप बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके की वीडियो अगर आपको चाहिए फ्यूचर में भी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।